लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव कुछ दिनों के लिए आगे टल गया है, इसलिए इस चुनाव को आगे ढकेलने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नई मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर को बतौर प्रशासक 3 महीने उनका कार्यकाल बढ़ा देने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं लोक प्रतिनिधियों के अंकुश को नहीं लेकर, जिसके कारण महानगर पालिका अपना मनमाना काम कर रही है। इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे जो खास मेहमान जो मौजूद हैं, हमारे बिल्कुल बाईं तरफ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और तीसरा मोर्चा आघाड़ी का नेतृत्व कर रहे अफसर इमाम साहब हैं, उनके बिल्कुल ठीक में शिवसेना के बेलापुर के जिला प्रमुख और वरिष्ठ राजनीतिक विठल मोरे साहब हैं। मोरे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल हमारे आखिर में लेफ्ट साइड में बीजेपी के युवा नेता और कारपोरेटर रह चुके सूरज पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाटिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। आप सबको पता है कि नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, ऐसा लगता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, मोरे साहब, आपकी सरकार है, क्या कारण रहा कि शिवसेना चुनाव से पीछे हट रही है और कुछ दिनों के लिए इसे टाल दिया गया है? आपने बड़ा अजीब सवाल पूछा है। शिवसेना कोई भी इलेक्शन टालने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज जो अपने देश में पूरे दुनिया भर में कोरोना की जो परिस्थिति है, जो हमने आज उस तरफ जो सबका ध्यान हमारी गवर्नमेंट ने रखा है, उसका कारण यही है कि देखिए, इलेक्शन कल परसों या तिरसों तरसों हो जाएंगे, लेकिन आदमी उनको संभालना, उनकी हिफाजत करना, ये अपना प्रथम कर्तव्य बनता है। तो प्रशासन के सारे लोग ये कोविड के पीछे जो हमारी मेंटेनेंस के लिए लगते हैं, वो कोविड के काम में लगे हुए हैं। ऐसे वक्त में इलेक्शन का काम करने के लिए कहाँ से लोग लाएंगे? हर जगह ये कोविड का तो इतना बड़ा अभी बड़ा धाक बैठा है, बड़ा प्रेशर है, तो बट नेचुरल यहाँ पर इलेक्शन का काम करने के लिए कमिश्नर के पास स्टाफ नहीं है। इसके वो यही वजह है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किए, और ज़्यादा और कुछ नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाया गया, 6 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल बढ़ाने का मतलब है कि ऐसा कभी किसी समय में नहीं हुआ। बीजेपी कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे साथ बीजेपी के ही युवा नेता हैं, आप बताइए सर, क्या क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाने से लोकतंत्र की हत्या हो रही है? देखिए, पहले मैं शुरुआत करूँगा कोरोना काल से। कोरोना कार्यकाल चालू हुआ तब से लेके आज तक जो हमारे नेता है गणेश नाइक साहब, वो निचले स्तर पे मतलब हर छोर पे काम कर रहे हैं, जबकि जिन्होंने काम करना चाहिए था, मंत्रीगण हो या और नेतागण हो, वो दिखे नहीं कि उम्र के 70 साल बाद भी ये नेता हर वीक में वो पालिका में दिखाई दे। इसकी प्रायोरिटी हमने दी तब इंसान के ज़िंदगी को, नई मुंबई करके हेल्थ को, तब से जाके आगे आके जो अच्छा रिपोर्ट आने लगा, तब जाके कहीं पे यहाँ नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव की फिर गर्मा गर्मी चालू हुई। तब भी हमसे सब सवाल पूछा गया, तब भी हमने यही कहा कि आपकी तैयारी क्या, तो हमारी तैयारी यही है कि हमारा नई मुंबई कर अगर खुशहाल है, अगर हेल्थ में सबसे अधिक मजबूत है, तो हम इलेक्शन कभी भी कर सकते हैं। हम 365 दिन काम कर रहे हैं, बट अभी जो ये पोस्टपोन किया गया है, उसके तौर पे निश्चित तौर पे कोरोना के पेशेंट अगर बढ़ रहे, तो एक जगह वो बात है, महाराष्ट्र के चुनाव छोड़ के अभी पश्चिम बंगाल हो या और जगह बड़े बड़े चुनाव, सभी चीज़ें हो रही है। कोरोना कारण देख के अगर ये बोला जा रहा है, तो मेरा शक यकीन से कहने की बात तो बाद में आएगी, मेरा शक है कि कई तौर पे ये जो अभी यहाँ शासन बैठा है, ये महानगर पालिका के माध्यम से कुछ टेंडर में धंधला धंधली या अलग कुछ चीज़ें करा के इसके लिए टाइम बढ़ा के प्रशासक के माध्यम से कराने की कोशिश हो सकती है। तो यकीनन ये जो मोरे साहब बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण या फिर आगे, ये ऐसा कुछ नहीं, इन्हें मालूम है
कि सत्ता तो इनकी पहले भी नहीं आई थी, अभी भी नहीं आएगी, तो जिससे और कुछ कर पाए, जैसे कि बड़े बड़े टेंडर निकलवा दिए तो कुछ लोगों को दिखा सके कि ये सरकार, तीन तिगाड़ी सरकार कुछ कर रही है, तो शायद इनके मन में वही कुछ चल रहा होगा, इसके लिए आगे दौड़ा रहे। क्या कहेंगे मोरे साहब, टेंडर का खेल चल रहा है, आप आईटी के जरिए कहीं ना कहीं बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात को मानता हूँ जो हमारे सूरज जी ने यहाँ पर जिक्र की, जिस बात की, इसका मतलब उनकी पार्टी या सूरज जी ये बात से सहमत है कि जो रूलिंग पार्टी आज सत्ता, अभी उनकी सत्ता थी कॉर्पोरेशन में, आज किसी की सत्ता नहीं, किसी की नहीं, आज प्रशासक है गवर्नमेंट में, जो महाविकास आघाड़ी की सत्ता है, और यहाँ पर जो हमारे नेता है पालक मंत्री, जो शिवसेना के नेता आदरणीय शिंदे साहब, वो नगर विकास मंत्री है, और उनके नेतृत्व में ये कॉर्पोरेशन चल रही है। तो जो सूरज जी ने जिक्र की कि यहाँ पर बड़े बड़े टेंडर निकाल रहे हैं, उसमें कुछ धांधली कर रहे हैं, इसका मतलब ये उन्होंने कबूली दी कि यहाँ पर काम चल रहा है, टेंडर निकाल रहे हैं, इसका मतलब काम चल रहा है, और कॉरपोरेशन में प्रशासन काम कर सकते हैं अगर मिनिस्ट्री से, यहाँ पर गार्डियन मिनिस्टर मिस्टर शिंदे साहब और हमारे खासदार यहाँ पर राजन जी विचारे, ये जो काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब का, आदरणीय उद्धव साहब का तो पूरा ध्यान सभी जगह है, तो यहाँ पर गलत काम न हो, ट्रांसपेरेंसी है, प्रेस है, हमारा जो चौथा आधार स्तंभ है वो प्रेस है, तो सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, कोई भी नागरिक शहर के कमिश्नर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्यों, प्रशासक करके उनको गवर्नमेंट में जिम्मेदारी दी है, और वो जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। जो हमारे सूरज जी है, जो विरोधी पक्ष है, उनका काम ही है टीका टिप्पणी करना, लेकिन टीका टिप्पणी करते वक्त ये शहर हमारा है, वो शहर को हमें संभालना है, शहर के नागरिक को हमें संभालना है, और उसके साथ के साथ में हमको प्रशासन को भी संभालना है, ये सभी चीज़ें अगर ठीक रही तो हमारा ये शहर एक बहुत अच्छा शहर करके हम आगे उसको बढ़ोतरी दे सकते। अफसर इमाम साहब, क्या लगता है, क्या वाकई कमिश्नर इसी तरह सुन रहे हैं, यहाँ की लोक प्रतिनिधियों का अंकुश उनके ऊपर नहीं है, और सत्तारूढ़ दलों के इशारे पर काम चल रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको अभिजीत बांगर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इलेक्शन को आगे बढ़ाया। आपको बता दे रहा हूँ कि इसके कारण क्या हो रहा है, कि आपको मालूम होगा कि रोज का पेपर में न्यूज आता है, कभी पहले तो आपको 10,000-15,000, अभी तो 500-700-800,000 लोग कोरोना पेशेंट होते जा रहे हैं, उस पर बहुत हद तक अंकुश लगाया गया है, अब नई मुंबई को फायदा इसका पहुंचा है, प्रशासन जागरूक है, काम कर रहा है प्रशासन, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ आपको मालूम होगा अभी आपको HSC का एग्जाम चल रहा है, SSC का एग्जाम चल रहा है, तारीख भी आ रहा है, कोई एग्जाम बहुत सारा चल भी रहा है, तो यहाँ पर जो भी महानगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी वगैरह जो है, सबको कहीं ना कहीं काम पे लगाया गया है। उस बीच में इलेक्शन कराना, तो मुझे लगता है कहीं से भी जो है ठीक नहीं होगा यहाँ के लोगों के लिए। तो आज जो उन्होंने ये कदम को उठाया, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, कि रियल में अगर उन्होंने अच्छा सोच उनका है, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए आपको कि वो इलेक्शन कराने में बहुत मस्त है, आज के दिन में आप देखिए बिहार में हजारों लाख लोग एक साथ में इकट्ठा होते थे, बड़ा बड़ा मतलब कि प्रोग्राम हो रहा था। आज बंगाल के अपोजिशन को देखिए, थोड़ा दिन पहले आपने सुना होगा कि मोदी जी का एक सभा था जिसमें 10,00,000 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, तो मुझे ये लग नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा लोगों को कि ये तो आपको बड़े बड़े गैदरिंग में आपको कोरोना नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन उसके लिए बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं? महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव हुए, आगे सरकार के जो सत्तारूढ़ सरकार उसके अंदर में चुनाव हुए, तो बीजेपी को इसके लिए दोष देने का क्या है? बीजेपी का दोष देने का आपका कारण ये है कि चुनाव को सबसे ज्यादा बीजेपी को घाई होता है। आप देखिए कभी भी आप चुनाव का बात आता होता है तो बीजेपी बहुत उससे आगे आते हैं, उनको लगता है कि चुनाव होना ही चाहिए, तो वो तैयार रहते हैं 24 घंटा चुनाव, देश खड्डे में जाए चलेगा लेकिन चुनाव होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बीजेपी का नाम लिया, ऐसा दूसरा का कोई पार्टी मुझे दिखता नहीं है। आज के दिन में एकदम सबसे बड़ा आपको देखेंगे कि मतलब के उनके एकदम फाइटर बोलिए, देखिए अमित शाह जी को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, कंटिन्यू एक्टिव है, तो ठीक है, ये उनका उनका ये उनका पर्सनल मामला है, पार्टी का नहीं, ठीक है, लेकिन हम नवंबर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को देख रहे हैं।
सुरेश पाठी जी, आपको दोनों सवालों का जवाब देना है, एक तरफ जो मोरे साहब ने कहा और दूसरी तरफ जो अफसर इमाम जी ने कहा, क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? यही बोलूंगा कि नवीन बेकर की लाइफ, नवीन बेकर सिटीजन की हेल्थ हमारे लिए मायने रखती है। निश्चित तौर पे मार्च से लेके हम जमीन पे है, उनके साथ दौड़म भागी कर रहे। आयुक्त अभिजीत बांगर साहब के साथ कंधे से कंधे मिला के अगर कोई चल रहा है तो नेता हमारा है, ये भी पूरे लोगों को मालूम है और उनको सम्मानित भी किया गया। कोरोना योद्धा करके जो सम्मान मिला प्रेस ने किया सरकार के हाथों सेवा, तो उसको कोई नकारा नहीं सकता। आज जो सिडको की जमीन, हमारी जमीन लेके सिडको खड़ी हुई है, तो प्रकल्पग्रस्तों की, नवीन बेकरों की जमीन पे खड़ी हुई, पर कोरोना काल में सिडको ने एक रुपया नवम्बे में खर्चा नहीं किया, जबकि यही पालक मंत्री जी ने सिडको का पैसा कहाँ लेके जाके खर्चा किया? मुलुंड में। यह कहा जायज है? कौन बोला इसके बारे में? जबकि अगर हम सभागृह में होते तो यकीनन उसका विरोध करते थे, जबकि हमारे नेता ने जाके वहां पे विरोध किया। उसके बाद आज की बात ले लो, MMR रीजन में हम आते, नगर विकास इनके पास है, पालक मंत्री हमारे, कितना दुर्भाग्य हमारा कि नवीन बेकर का पालक मंत्री पद जो स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने नवीन बेकर को 250 करोड़ की मांग थी कोरोना के लिए, 10 करोड़ 80 लाख भेजे, मतलब 1250 करोड़ जो MMR रीजन के लिए कोरोना में खर्चा किया गया है। तो आप उसमें से हिसाब लो इनसे कि नवंबर के लिए उन्होंने 0 खर्चा किया है या फिर 10-12 करोड़ किए, मतलब नवंबर के लोगों की तोहिन की है, अपमान किया है। ये क्या लोगों के आरोग्य समस्या के बारे में बात करेंगे? इनको क्या नवंबर की जान पहचान पड़ी है? पालक मंत्री जी के बारे में बोलना, ये तो अभी हिसाब किताब निकालना पड़े तो बहुत निकल पड़ेगा। पालक मंत्री का हिसाब निकालने जाएंगे तो बड़ा हिसाब निकलेगा। और नवंबर के साथ उपेक्षा हुई, आज खुद गणेश नाइक जी ने भी विधानसभा में यही बात कही कि रीजन में नवंबर के साथ बड़ी उपेक्षा और विकास में हो रही है। अभी देखिए, कोरोना में यहाँ पर अपने कमिश्नर को कोरोना योद्धा करके, उनको कोविड योद्धा करके उनको सम्मानित किया गया। उसका कारण क्या हो गया? कारण क्या हुआ? वो नवी मुंबई में कोरोना को कंट्रोल में रखे। उसका कारण एक ही है कि जो भाजपा के लोगों ने काम किया, बाकी लोगों ने काम नहीं किया। देखिए, जवाब हर चीज का है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई ये हम इस डिबेट में इस तरह एक दूसरे को हम लोग ओपन करें, वो जरूरी नहीं है। लोग जानते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो किस तरह काम कर रही है और वो काम का डायरेक्शन जो आ रहा है उसके मुताबिक काम चल रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल की जरूरत थी, हॉस्पिटल शुरू हो गए। यहाँ पर कोरोना के लिए जो दवाई चाहिए थी वो दवाई आई। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम कर रहे हैं, यहाँ पर गार्डियन मिनिस्टर काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे जैसा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे जो बीजेपी के या सामने लोग, सभी लोग अभी अफसर इमाम जी साहब साथ में, सभी लोग काम कर रहे हैं कोरोना के लिए। हर कोई सोशल वर्कर, हर कोई पार्टी का वर्कर ने काम किया और इसके वजह से आज यहाँ पर कोरोना कंट्रोल में था। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो विरोधी पक्ष में है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन जो रियली फैक्ट है वो आप नहीं टाल सकते। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जब जिक्र किया कि यहाँ के कमिश्नर को आपने कोरोना योद्धा करके उनको सम्मानित किया गवर्नमेंट ने, उसका कारण क्या है? गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, अकेला कमिश्नर कहाँ से कुछ ला सकते हैं क्या? वो प्रशासक है, वो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि, तो उन्होंने काम किया, उसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है और हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लेकिन इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम का उल्लेख नहीं करता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया इसके वजह से हमारे कमिश्नर को फेलिसिटेट किया गया। 1200 करोड़ MMR रीजन के लिए आया था, 250 करोड़ मुंबई महानगर पालिका के लिए मांगा गया था, तो उसमें सिर्फ 10 करोड़ 80 लाख रुपए मिले। आपको लगता है क्या कि ये उपेक्षा नहीं है? रियल में अभी मोरे जी ने बताया और सूरज पाटिल ने बताया, सही बोला, हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से काम किया, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। हमने देखा है, नायक साहब बहुत एक्टिव थे काम करने में, वो हमेशा पालिका वगैरह में जाते थे, और शिवसेना के लोग भी थे, हर लोगों ने अपने अपने स्तर से किया। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बहुत सारा काम किया लेकिन फोटो नहीं निकाला, क्योंकि ऐसा होता है कुछ काम ऐसा होता है हम तो चाहते हैं कि उसको दिखलाए नहीं। कि आज के दिन में नवी मुंबई की परिस्थिति देखिए, यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार नहीं है, कितने लोग ऐसे जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, जो लोग बोल नहीं रहे। आप झोपड़ी वगैरह में अगर आप खाली मालूम पड़ जाए कि आपके हाथ में खाना है तो हजारों हजार भीड़ चली आती उठ करके। नहीं, वो तो कह दिया उन्होंने मेरे सामने। नहीं, हम क्या बता रहे हैं, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अकेला किसी को श्रेय लेना नहीं चाहिए,
लेकिन ये बात चल रही है कि क्या उपेक्षा हुई, जो मूल प्रश्न यही है कि क्या वाकई नवीन भाई के साथ उपेक्षा हुई। आपको क्या नजर आता है कि सरकार ने नवीन भाई को जितना फंड देना चाहिए था उतना फंड नहीं दिया और उपेक्षा हुई? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अपना 5,000 करोड़ का महानगर पालिका है, श्रीमंत महानगर पालिका है, इसको कहीं जाने नहीं चाहिए था मुझे लगता है। इसके बाद खुद इतना सारा फंड है कि वो तो बैंक में जमा कर रहा है अपना पैसा। आज आप देखिए जिस तरह से महानगर पालिका काम कर रहा है, मैं तो किसी भी हिसाब से आपको कमिश्नर को दोष देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पहला कमिश्नर में मुझे ऐसा दिखा कि हर छोटे बड़े लोग उनसे जाके मिल रहे हैं और वो आदमी सबका जवाब दे रहा है, सबका काम कर रहा है। तो ये छोटी मोटी बात को लोगों को भूलना चाहिए, सब मिलके नवी मुंबई के डेवलप के बारे में बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा, इस मुद्दा को हटाना चाहिए। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम होता रहता है। लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से 6 महीने से ज्यादा किसी भी कमिश्नर को एक्सटेंशन देने का कोई प्रावधान प्रोविजन नहीं है जो कानून कहता है, लेकिन नवंबर में 1 साल तक उसको उनको एक्सटेंशन दिया गया। दूसरी चीज, मई में महानगर पालिका बननी थी, चूंकि कोरोना था तो 1 साल आगे टल गया और अभी भी चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब नहीं लगता आपको कि लोक प्रतिनिधित्व जो कानून है, जो सब जगह चुनाव हो रहे हैं, तो नहीं भाई महानगर पालिका में भी लोक प्रतिनिधियों को मौका दिया जाना चाहिए, या तो नगर सेवकों का जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए जैसे कमिश्नर का कार्यकाल एक्सटेंड होता है। मोरे साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ क्योंकि आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं इस मामले। देखिए क्या है, देखिए अभी कमिश्नर साहब का जो कार्यकाल है, जो प्रशासक के कमिश्नर ने एज ए प्रशासक वो बढ़ाया, इसका मतलब कानूनी वो प्रोविजन है कानून में। अगर कानून में लोक प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रोविजन होती तो वो भी करते थे, लेकिन लोक प्रतिनिधि को 5 साल का जो टर्म है उससे ज्यादा कार्यकाल नहीं मिलता। क्यों? इलेक्शन का आपका जो सिचुएशन है वो कभी भी आ सकते हैं। अभी देखिए, सपोज कोरोना का जो अभी पेशेंट का जो रेशो है वो कम हुआ तो बैठना चाहिए, इलेक्शन होगा तैयारी पूरी है, इलेक्शन के लिए कोई रुका नहीं है, जो तैयारी करनी थी पूरी तैयारी है, इलेक्शन की यादें आ गई हैं तो मतदाताओं की सब तैयारी है। लेकिन इसके लिए जो प्रोविजन कानून में है वही कर सकते, उसके सिवा नहीं कर सकते। इसके लिए आज इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो सिचुएशन एक्सेप्शनल सिचुएशन है उस कंडीशन में इलेक्शन नहीं हो सकता है, इलेक्शन के बिना भी काम कर सकते हैं। यह शहर में आज इतना मेंटेनेंस परफेक्ट है उसका कारण क्या है? यहाँ के नागरिक जागरूक है, ये जरूरी है, हमारे लोक प्रतिनिधि यहाँ आना जरूरी है, लेकिन लोक प्रतिनिधि नहीं है ऐसे स्थिति में भी यहाँ के नागरिक जागरूक नागरिक प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। यस पाटिल साहब, क्या कहेंगे आप, क्या वाकई यही कारण है जिसकी वजह से ये चुनाव आगे टला है? जो महाविकास आघाड़ी है वो चुनाव से डर गई है, वो हार रही है, इसलिए वो पीछे भाग रही है। सच्चाई क्या है जैसा मोरे साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, पहले मैं एक क्लियर कर दूं कि हर बार कोई मसीहा बनने की कोशिश तो नवीन भाई करो कि हेल्थ की चिंता, हम क्यों बोले कि हम पहले दिन से मैदान में है, ये इसलिए बोल रहे हैं कि नवीन भाई कर की आरोग्य की चिंता और उसकी जो अभी कोरोना की चिंता उनको हमें है, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, बट जो संविधान है, लोकशाही है, जो प्राविधान है उसका भी गला ना घोटा जाए ये देखना भी हमारा काम है। लोक प्रतिनिधि जब सभागृह में बैठते हैं, जब बॉडी होती है, अभिजीत बांगर साहब डेवन से कुर्सी में बैठे हैं, बंदा जब आया तब तकलीफ में था सिटी और तब से आज कुर्सी संभाल रहे हैं, निश्चित तौर पर हर एक का सुनने का काम वो अच्छी तरह कर रहे हैं, उसके बारे में हम कई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। हम नहीं कहते कि लोगों को एक तरह बीमारी पकड़ के रखे और यहाँ चुनाव हो, पर हम ये बोलते हैं कि जायज जब हो तो निश्चित तौर पे किया जाए। और भाजपा का जो आरोप है वो सही मायनों में इसके लिए है कि मैं जो अभी कुछ बोला कि अफसर इमाम साहब बोल रहे हैं या फिर मोरे साहब बोल रहे हैं कि हमारी महानगर पालिका श्रीमंत है, निश्चित तौर पर क्योंकि वो वैसा प्राविधान शुरुआत से आ रहा है कि सिटी के लिए अच्छा कुछ हो रहा है और उसका एफडी भी किया जा रहा है। जैसे कि आज हमारे नेता ने घोषणा की विधानसभा में गरज पड़े कि 20 सालों में मैंने पानी पट्टी और घर पट्टी बॉडी के माध्यम से नहीं बढ़ाने दिया और अगले 20 साल में नहीं बढ़ने देंगे। जब का कोई सिटी अगर अमीर है और अच्छा कारोबार कर रही है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको सिटी को जरूरत नहीं फंड की। अगर राज्य शासन, राज्य सरकार अगर जब क्रेडिट के लेने की बात करती है कि हमारे माध्यम से चल रही है, अच्छी चल रही है, तो निश्चित तौर पर राज्य शासन की भी जवाबदारी बनती है कि कुछ ज्यादा फंड इधर भेजे, कि नवीन भाई को और बेहतर बनाने के लिए कुछ योगदान दे, पर वो नहीं हो रहा है तो यहाँ की तिजोरी लूट के
कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो हम वो करने नहीं देंगे। लोगों को अच्छे काम करने की जो हमारी सोच थी वो बरकरार रखने के लिए बॉडी की जरूरत है, और इसके लिए शायद चुनाव की जो मांग हो रही है वो वहां से आ रही है। महाविकास आघाड़ी के, शिवसेना की, कांग्रेस की, एनसीपी की बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी, अचानक सब अलग अलग हो गया, क्या वजह लगता है आपको कि ये इतना दुराव कैसे हो गया आखिर? नहीं, कोरोना के कारण हुआ कि कुछ और कारण है? बस वही कोरोना का ही कारण है, नहीं तो देखिए हम लोग तो इलेक्शन अभी इनके जैसा हम बोलने नहीं जाएंगे। हम तो इलेक्शन के लिए 24/7 कोई भी मिनट में हमें बोलिए हम तैयार है। हमारी पूरी पलटन, हमारी पूरी मिलिट्री तैयार है। हमें कोई किसी का डर नहीं, लेकिन हमको ये बोलना की जरूरत नहीं लगती कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है। ये देखिए, ये यहाँ पर कोई डिक्टेटर है क्या? प्रशासक है, डिक्टेटर नहीं है। डिक्टेटर अभी मैं किसको बोलूं? आप जिस तरह बोल रहे हैं, आप जिस तरह ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन होने दे रहे, इन लोग डर रहे इलेक्शन हारने का, हम लोग अभी तक गवर्नमेंट में या सत्ता में थे, यहाँ पर दोबारा आएंगे, भैया ये वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। कौन सत्ता पर आएगा, कौन महापौर बनेगा, वो जनता के ऊपर डिपेंड है। हम ये नहीं बोलते हम ही होंगे, अरे वो जो जनता जनता जिसको मतदाता जिसको चुनेंगी वो मेयर बनेगा, वो पार्टी रूलिंग करेगा। आप उसका अभ्यास करना चाहिए, सिर्फ विरोधी पक्ष है करके हम कुछ बोलना चाहेंगे वो ठीक बात नहीं है। अच्छा तो कब से कांग्रेस दूर क्यों हो रही है? कांग्रेस ने तो क्लियर डिक्लेयर कर दिया है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, आपकी आपसे अलग हो गई है कांग्रेस। देखिए अभी वो बड़ा आपको जवाब देना पड़ेगा मुझे। अभी जैसे शेट्टी साहब ने बोला बोले हैं कि मोरे साहब आए तो मोरे साहब जवाब देंगे। हर पार्टी का जो नेता होता है ना, उनका अपना लीडरशिप का क्यों व्यूज होता है कुछ। अभी मुंबई के अध्यक्ष बने कांग्रेस के अध्यक्ष, मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, भाई जगताप साहब। अच्छा सर, भाई जगताप साहब बने मुंबई के। हाँ। उन्होंने डिक्लेयर किया उनका अपॉइंटमेंट होते होते कि मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन हम 100 बल पे लड़ेंगे बोले। अब नाना पटोले साहब देखिए, वो पहले खासदार रहे, उसके बाद में खासदार के इलेक्शन दोबारा लड़े नितिन गडकरी के साथ में, हर गए आमदार के कई इलेक्शन लड़े, आमदार बने, इधर विधानसभा में आए अध्यक्ष बने, एक साल उन्होंने कार्यकाल संभाला, रिजाइन दिया और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मैं कांग्रेस का बोलने वाला कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि भाई नहीं, मेरा पार्टी हर जगह जाना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, मेरा पार्टी का सिंबल। तो ये टाइम है, देखिए इमरजेंसी के बाद आदरणीय इंदिरा जी ने जो कदम उठाया था, आज वही कदम राहुल जी उठा रहे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि शिवसेना गठबंधन में महागाड़ी में रहते हुए भी उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को, एनसीपी कार्यकर्ताओं को फोड़कर अपनी पार्टी में मिला रही है, इसलिए साथ रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई कौन से पार्टी में रहना है वो हर अपने ऊपर निर्भर करता है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी तो आपके सामने कितने उदाहरण है, मैं उदाहरण हूँ, मैं और किसी का नाम लेगा तो बुरा लगेगा। मैं नायक साहब का नाम लू क्या? नहीं, मैं मेरा नाम लेता हूँ। मैं शिवसेना में सीनियर आदमी था, मैं राष्ट्रवादी में गया, 2.5 साल उधर रुका हुआ, दोबारा शिवसेना में आया, मैं जिला प्रमुख हूँ। तो देखिए आपको काम करना है, आप अच्छी सिचुएशन में काम करिए। कौन सी पार्टी आज, कोई भी कुछ नहीं रहा, लेकिन आज शिवसेना का जो हमारे पूरे राज्य में कार्यकाल चल रहा है, काम चल रहा है, हमारे खुद पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री है और उनका जिस तरह काम चल रहा है, आप लोग सब लोग देख रहे हैं। हर देखो कोई उनके पास डिफरेंसेस नहीं है, वो अपना काम करे, हर आदमी अपना आदमी, इस देश का आदमी समझकर काम करे, उनको सेवा दे रहे और वो तो लोगों को पसंद है। इसके लिए राष्ट्रवादी के लोग या कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग शिवसेना में आ रहे तो हम उनको स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, आपने कहा स्वागत करेंगे, जब सब कुछ सरकार का अफसर भाई आप खुद कह रहे हैं कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है, उनके प्रशासक अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों को तीसरा गाड़ी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे क्या जरूरत आ गई
कि आप उस महागाड़ी के खिलाफ भी एक तीसरी आघाड़ी बनाकर तैयार कर दिए? हमने सरकार के बारे में नहीं बोला, हमने बोला नवी मुंबई महानगर पालिका के सिर्फ कमिश्नर के बारे में बोला। बिल्कुल हाँ। हमने अभी तो सरकार तक गए नहीं, क्योंकि हमको कहा तो अभी तो मुझे पर्सनल फील हो रहा है बिल्कुल, हाँ। जिस तरह से महागाड़ी काम कर रही है महाराष्ट्र में, उसी तरह से बीजेपी भी काम कर रही है, दोनों में कोई मुझे फर्क दिख नहीं रहा है। अच्छा, देखिए बीजेपी जब सत्ता में थी बहुत सारा लोगों ने प्रॉब्लम कमिटमेंट किया था कि हम आने के बाद आपको टोल खत्म कर देंगे, लाइट का बिल को कम कर देंगे, बहुत सारा उन्होंने वादा किया हुआ था, लेकिन किसी भी वादे पर बीजेपी उतरी नहीं। आज महाविकास आघाड़ी की, हालांकि उनके घटक दल हम भी हैं, बाय मिस्टेक हम भी उसके घटक दल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो मतलब के महाविकास आघाड़ी के लोग भी हैं, ये भी पब्लिक के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो मंत्री बने हुए हैं, वो बोलते हैं कि कोरोना काल में आप 2-3 महीने का भाड़ा मत लीजिए। अरे आप उनसे पूछिए, अगर भाड़ा वो नहीं लेंगे तो किसी आदमी का ईएमआई चल रहा है वो कहाँ से भरेंगे? किसी आदमी उसी पैसा से निर्भर है, कहाँ से भरेंगे? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आज लाइट का बिल 30% के ऊपर बढ़ा हुआ है, आज 5.5 लाख लोगों को कनेक्शन काट दिए गए हैं। आप नाइंसाफी कर रहे हैं लोगों के साथ में, उसके बारे में कब सोचेंगे? मतलब अंदर आत्मा से नहीं, बल्कि आपको मतलब मजबूरी के तहत बीजेपी को अपना महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल कोई खुश नहीं है। आज सत्ता में बैठते हम लोग हैं, महापौर अपना होता है, उप महापौर अपना आता है, पूरी कमेटी बैठती है, तो आप आज भी देख लीजिए कि एजुकेशन पर कितना उनका फंड है। गणेश नाई के हाथ में सलाहकार रहे हैं सूरज पाटिल जी, आप ही बताइए कि क्या कमी रह गई? पूरी सत्ता आपके हाथ में थी, अभी क्या कोई गुंजाइश है इतनी बड़ी श्रीमंत महानगर पालिका, अब क्या होगा आगे? देखिए होता है ये महानगर पालिका में 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा एज ए कॉरपोरेटर। शिक्षण शिक्षा की तरफ देखे तो सबसे अच्छी शिक्षा और शिक्षण में अच्छा काम जो हुआ है, आप कभी भी कंपेयर कैसा किया जाता है कि आसपास की महानगर पालिका और हमारी महानगर पालिका कंपेयर करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुंबई में या थाना में या मीरा भाईंदर या जो भी डोंबिवली कल्याण डोंबिवली वसई विरार, यहाँ पे महानगर पालिका की शिक्षण क्षेत्र की जो दौड़म भागी है, जो अच्छा काम है, वो कई तौर पे नई मुंबई को सराहा गया है। जबकि आज मुंबई में मराठी मीडियम की स्कूल की बंद करने की कोशिश हो रही है, तो पट्टा संख्या गिर रही है, विद्यार्थी कम आ रहे, थाना में वही हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ चढ़ के विद्यार्थी आ रहे। उसके बाद हमने अगला प्राविधान किया इंग्लिश मीडियम, जो महानगर पालिका आज इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रही है वो नई मुंबई महानगर पालिका है। उसके आगे जाके हमने CBSE बोर्ड की स्कूल चालू कर दी। अब सर इमाम साहब आपकी जानकारी लेके बोल दूं, CBSE स्कूल गरीब का बच्चा सिर्फ स्कूल में लाना है, मुफ्त में सब कुछ, इसके लिए राज्य सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है। इंग्लिश मीडियम के लिए राज्य सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है। ये पूरा खर्चा यही महानगर पालिका उठा रही है, और हमारी ये विट्ठल मोरे साहब सभागृह में थे, हम सभागृह में थे, तभी ये निर्णय हुआ है और अच्छे निर्णय के लिए आगे आ रहे। तो निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम नई मुंबई महानगर पालिका का हो रहा है और होता रहे। देखिए आप जहां तक कंपेरिजन कर रहे हैं कल्याण डोंबिवली और मीरा भाईंदर, दोनों के बजट में आसमान जमीन का फर्क है। हमारा बजट ज्यादा है, हम ज्यादा काम करेंगे, लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, इसमें नो डाउट बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले, अभी चालू भी नहीं हुआ है, बहुत सारा बन के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि सिडको जो है ना, आज इन्होंने बताया लोकल मुद्दा कि सिडको ने यहाँ के प्रकल्प ग्रस्तों से 50 पैसे के दर से लेकर के प्लॉट को मतलब परचेज किया, और आज उसको करोड़ों के रेट से बेच रही है। श्रीमंत हो गया महानगर अपना ये सिडको, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता है या बहुत सारे लोग हैं, उनको उन्होंने प्लॉट दिया है 90% के डिस्काउंट से, साथ में दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से डोनेशन या डिपॉजिट के रूप में हम पैसा नहीं लेंगे। लेकिन आज एक नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए मोरे साहब 1-1 लाख रुपए डोनेशन लिए जा रहे हैं, तो क्या ये हमसे संबंधित नहीं है? इसके लिए किसी, अगर हम रियल में लीडर है तो हमको उसके लिए भी आवाज उठाना चाहिए। आज महानगर पालिका संचालित जो भी हॉस्पिटल है, आप सिर्फ केस पेपर को निकालने के लिए सुबह से शाम चला जाता है आपका, है? उसके बाद लोग कहां से मतलब ट्रीटमेंट करेंगे, कहां से इलाज करेंगे? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, उस पर सुधार होने की जरूरत है। हम देख रहे हैं सुधार नहीं हुआ अभी तक। आज यहां पर 23 जो है ना, आपको महानगर पालिका का आपको ये क्या हॉस्पिटल है छोटा बड़ा मिला करके, जो खुद डेंगू हो गया, साथ में हमारे बच्चे को हो गया, तो हमने बहुत आंदोलन किया था, तो कमिश्नर ने बोला था आपको यहाँ शुरू करने वाले है, लेकिन एक जगह से नहीं होगा। नवी मुंबई बहुत बड़ा क्षेत्र है, 2 MLA का क्षेत्र है, 11 कॉरपोरेशन है,
हर जगह पर इस तरह का टेस्ट होना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात है, कुछ सुविधाएं आज भी जरूरी हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल होनी चाहिए। तमाम हॉस्पिटल अभी नए इस बार खोले गए महानगर पालिका द्वारा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर और भी हॉस्पिटल महानगर पालिका के जरिए खोले जाएंगे। मोरे साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब चुनाव, जैसे आपने कहा कि हो जाएंगे चुनाव, हम मान के चल रहे हैं कि अगले एक आध दो महीने में महानगर पालिका के चुनाव होने ही होने हैं, लेकिन इस बार मुकाबला आप लोगों का सिर्फ बीजेपी से नहीं है, तीसरी आघाड़ी से भी है। तो तीसरी आघाड़ी जिसमें 12-14 संगठन है और समाजवादी पार्टी है, क्या लगता है आपको ये मुकाबला कैसा होगा? ये जो लोकल इलेक्शन होते हैं, जितने इलेक्शन छोटे उतने इलेक्शन कठिन होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो, कॉरपोरेशन हो, यहाँ पर कौन सा व्यक्ति कॉन्टेस्ट कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। लोगों का रोज का संबंध, रोज के ताल्लुकात उनसे जुड़े रहते हैं, और इसके वजह से ये लोकल इलेक्शन में आप अच्छा कैंडिडेट दीजिए जो लोगों के प्रति हमेशा वो जागरूक रहेगा, लोगों की जो समस्या है वो छुड़ाने के लिए हमेशा वो लोगों के साथ चलेगा। ऐसा अगर आप कैंडिडेट देंगे तो चलेगा। अभी लोग वही बोलते महा विकास आघाड़ी है या बीजेपी है या अभी हमारे अफसर इमाम साहब की पार्टी है। देखो, कोई पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन इलेक्शन में आम आदमी डिसीजन लेता है कि भाई ये पार्टी की सोच ऐसी है और उन्होंने कैंडिडेट इस तरह का दिया है तो उसके। अभी आपकी पार्टी के जितने भी नेता हैं महाविकास आघाड़ी का, अभी तक तो फिलहाल मान के चलते हैं कि महाविकास आघाड़ी, इंडिकेशन तो अलग मिल रहे हैं कि भाई अलग अलग लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि महानगर पालिका में भगवा ही लहराएगा, ये कितना आसान आपको लगता है? ये तो एकदम इजी बात है ना, सही बात है। लोगों को ये बात समझिए, क्यों आज के तारीख में हमारे 44 कॉर्पोरेटर है। जैसे सूरज जी ने बताया, कोविड में, कोविड का कार्यकाल में उन्होंने काम किया। हम भी बोलते हैं अभी हम जिस शहर में सबसे तगड़ी पार्टी हमारी है, शिवसेना की, कार्यकर्ता हमारे पास तो बस नो लिमिट कार्यकर्ता है, काम करते हैं। मैं वो लीडर, मतलब जिला प्रमुख हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरा वो जिम्मेदारी है इस शहर के प्रति, शहर के नागरिकों के प्रति, उनको जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचना एक शिवसैनिक के नाते मेरा जिम्मेदारी है। तो ये जब सब काम चल रहा था, आज इलेक्शन आ रहा है, तो ये इलेक्शन में उसका ही आगे लोगों को फायदा मिलेगा। सर, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में अंतर्गत जो अंदर खाने इतना बिखराव है, इसके बावजूद भी कैसे गारंटी दे रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ये जो महाविकास आघाड़ी के बाहर के लोग है, उनकी सोच है। अच्छा, जो हम महाविकास आघाड़ी के मेंबर है, मैं वो उनका जो यह है कमेटी है, वो कमेटी का सदस्य हूँ मैं। तो मेरी ये सोच नहीं है, हमारे नेता उद्धव साहब, उधर शरद पवार साहब, यहाँ पर हमारे थोरात साहब कांग्रेस के, या अभी हमारे ये नाना पटोले साहब, नाना पटोले जी, इनको उन्होंने जो आदेश दिया है वो आदेश के मुताबिक ये बात चल रही है। लेकिन मोरे साहब क्या बोल रहे हैं, मोरे साहब बोल रहे हैं महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं, हमने सपोर्ट किया इनको समाजवादी, इनको सेखा पक्ष सपोर्ट किया, इन लोग अपना मानने को तैयार ही नहीं है। जब इनको सत्ता मिल गई तो हम लोग को दूर कर दिया, जब सत्ता नहीं तो हम लोग नजदीक थे। नहीं नहीं नहीं, ये सोच रखिए तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं नहीं, बात सुनिए मेरा, अगर ऐसा होगा आप महाकाली का बात बोलिए तो मैं आपको समर्थन में खड़ा हूँ ना, मैं आपको मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, महाकाली का मतलब, महाकाली का मतलब सिर्फ तीन पार्टी नहीं, तीन पार्टी आप बोलो ना, जो बात ये लड़ाई है ना, ये लड़ाई है। मैं गलत बात नहीं करूंगा। सर, आप तीन पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? जो तीन पार्टी का ही महाविकास आघाड़ी बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, अफसर इमाम साहब मेरी बात सुनिए जरा। सर, जब महाविकास आघाड़ी बन रहा था तो एक साथ में हमारे नेता खड़े होते थे वहां पर, आप लेकिन तरफा बात करें कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, बात सुनिए तो सही, अगर मेरा गलत है तो मैं मेरा बात नहीं चलूंगा। राज्य में जो महाविकास आघाड़ी है उसमें आपका जरूर सपोर्ट होगा, बात सुनिए, लेकिन यहाँ पर आज की बात कर रहे हैं। सर, मैं आज की बात बोल रहा हूँ, हम राज की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात बोल रहा हूँ, आज की आप कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं स्टेट की महाविकास आघाड़ी, अरे भाई वही मैं आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है मेरी बात, उनको पूरा करने दीजिए उनकी बात। सुनिए, यहाँ नवी मुंबई के इलेक्शन के लिए जो महाविकास आघाड़ी बनी उसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये तीनों पार्टी, क्यों मैं वो कोर कमेटी का मेंबर हूँ।
अभी रही बात वहां पर जो राज्य में सत्ता है वहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका सपोर्ट है, वो बात को मैं क्यों यहाँ पर जिक्र करूँ? आप समझते रहे ना, बिल्कुल ठीक बात है सूरज पाठक जी, समझ के मेरा बात को मैं क्या बोला, मेरे बात गलत है, मैं मेरे बात पे चलूंगा। शिवसेना के बारे में अभी जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने खुलेआम ये पब्लिक डोमेन में कहा है कि शिवसेना के अंदर खाने जो गुटबाजी हो रही है, जो उनके नेता है, ये पार्टी गंदी है और इसको वोट मत देना, ये आह्वान किया उन्होंने। आपने बहुत अच्छा विषय निकाला कि उसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। जिलाध्यक्ष भाजपा श्री रामचंद्र जी गरत साहब ने यह स्टेटमेंट किया, मैं आपके यूट्यूब में देखा। देखिए विरोधी पक्ष का काम है टीका टिप्पणी करना, एक हमारा बात करने का लेवल होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वो मर्यादा को संभल के बात करिए। गंदी का मतलब क्या होता है, कौन सा पार्टी गंदी गंदी है, कौन सी पार्टी गंदी है, क्यों भाई? आपको अगर भाषा का अनुभव नहीं है तो आप गलत बात मत करिए। गंदी का मतलब क्या है, आज हमारे पार्टी के प्रमुख पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी मुख्यमंत्री है और एक साल के अंदर उनको 3 बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया चुना गया, वो गंदी पार्टी के लीडर है क्या? तो गरत साहब सबके मित्र है, हमारे मित्र है, लेकिन इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट किया वो उनको शोभा नहीं देता। मैं उसका पूरा धिक्कार करता हूं इस बात पर। मन रहता है गौर नाइक साहब को करता है क्या, बोलिए ना, तो हम क्यों उनको बोलने का? ये बात करने का तरीका नहीं है और जो जिम्मेदार पद पर लोग है उन्होंने इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बात जो बात को डिक्लेयर करके पीछे लेना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए उन्होंने अपने बात को। पांडे साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों का आपस में चल रहा है, अब आपके सामने एक और पार्टी, एक और तीसरा मोर्चा आ गया है, नवीन विकास आघाड़ी कितना टफ हो गया और चुनाव लड़ना, मोरे साहब खुद कह रहे हैं कि 44 नगर सेवक उनके पास ऑलरेडी है और सत्ता उनकी होगी, भगवान उनका लहराएगा। हर टाइम आप देखोगे तो गणेश नायक साहब का नेतृत्व एक बाजू और पूरे पार्टी या फिर पूरे पार्टी से जुड़े लोग एक बाजू, जबकि 2015 की स्थिति आपको मालूम है, हम विधानसभा हार चुके थे, हम लोकसभा हार चुके थे। जैसे मोरे साहब ने कहा कि छोटे चुनाव में पार्टियां नेताओं की छाप नहीं पड़ती, वो नीचे व्यक्तिमत्व की छाप पड़ती है, तो वहां गणेश नायक ये नाम था जिसकी छाप 1995 से लेके आज तक चल आ रही। उसमें देखिए और प्लस पॉइंट क्या हुआ, 2015 में गणेश नायक साहब दादा अकेले लड़े थे और पूरे एक साथ थे, हम सत्ता में आए। अभी तो 2021 है भाई, जो भी जब चुनाव करेंगे ये लोग तो देखो दादा के साथ ताई भी हमारे साथ है, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, दादा तो थे ही थे, अभी तो ताई भी है। देखिए हमारे भाजपा के लिए यहाँ पे लोकल लीडर करके गणेश नायक साहब का नाम लिया जाता है नवीन शहर के विकास के लिए, निश्चित तौर पे ये नाम मैं आप छोटा बच्चा बुजुर्ग सभी जानते हैं। एक बाजू में शिवसेना लेते हैं हम लोग, विट्ठल मोरे साहब का पार्टी नेतृत्व करने वाले जो है एकनाथ शिंदे साहब है या फिर राजन विचारे साहब है, ये बड़े नाम है, आज उनके माध्यम से उनके हाथ के नीचे थाना महानगर पालिका कल्याण डोंबोली मीरा नगर मीरा भाईंदर समथिंग ये है, नवी मुंबई के लिए उनको वक्त मिलेगा? वो जो गहराई से काम गणेश नायक साहब कर पा रहे इतने सालों से वो दे पाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरा आ जाता है राष्ट्रवादी में, जहाँ पे आज तक मेरे को लोकल लीडर ही नहीं दिख रहा है। एक मुंद्रा से आते हैं, इलेक्शन था तो बहुत आ रहे थे, अभी तो दिख ही नहीं रहे, कोरोना में भी तो कहा थे मालूम ही नहीं थे। फिर एक उरण से आते हैं और एक हमारे सातारा जिला अध्यक्ष है शशिकांत शिंदे साहब, बहुत बड़े व्यक्तिमत्व है, बहुत अच्छे लीडर है, पर वो सातारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राष्ट्रवादी में भी कोई चेहरा नहीं जो ये शहर को विकास के पद पे लेके जाए। कांग्रेस के तो अपनी बन पड़ी है, इधर संतोष शेट्टी साहब का दरकिनार अलग है, उधर मात्रे साहब का अलग है, पटोले साहब तो आने के बाद ये कब इकट्ठे होंगे, उसकी कौशिक साहब अलग से बैठे हुए। तो यहाँ नेतृत्व जो है जो विकास की ओर शहर को लेके जाए, तो वो चेहरा किसी भी सामने गणेश नायक साहब के सामने एक चेहरा एक नाम बता दीजिए कि जिसके पास जिसके हाथ में शहर दे जो विकास की ओर
वो शहर को लेके जाए या विकास को और दौड़ाए। इसके लिए यकीनन गणेश नाइक इज अ परफेक्ट मैन फॉर दिस सिटी। लेकिन ठीक है, अगर सत्ता आएगी तो आखिरी कमेंट सर क्या कहेंगे आप? आपके तरफ उन्होंने तो पूरा गिना दिया, एनसीपी भी गिना दिया, उन्होंने कांग्रेस भी गिना दिया, नहीं गिना दिया, उनका पेपर वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन सिचुएशन तब देखी जाती है मैदान में हम आएंगे। मैं देखिए मैं खुद का एग्जांपल नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने मेरे बलबूते पर नायक साहब को हराया है। मेरा जो इलेक्शन में किया मिड टर्म इलेक्शन बाई इलेक्शन हाँ, इसमें मेरे पार्टी के लोगों को भी मैंने रोका था, आप ऑफिस में बैठिए मैं संभालता हूँ, वो इलेक्शन में जीता। उसके बाद में साहब के लीडर साहब के जो हमारे नेता है उनके बड़े नेता जी ने सबको इकट्ठा करके विट्ठल मोरे को कैसा कॉर्नर करने का, मुझे कोई तरह से 20 साल कॉरपोरेशन में काम किया, मुझे बहुत सपोर्ट मिला आज भी। लेकिन जो वो बोलते हैं ना वो बात से मैं सहमत नहीं हूँ, यहाँ की जनता जानती है मैं नायक साहब के प्रति मेरा तो एक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो कभी कम नहीं होगा। लेकिन ये शहर के लिए जो आज काम हो रहा है, पिछले उनका कार्यकाल देखिए 35-40 साल का अनुभव है, लीडरशिप है उनकी कॉरपोरेशन में करीबन 26-27 साल उनकी लीडरशिप है, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले सके वो, यहाँ के जो घर के गर्जेपोटी घर झोपड़पट्टी वासियांची घर आणि जो वाडी व्यवसाय आहे त्यांचा निर्णय ते नाही घेऊ शकले, ह्या गोष्टी सर्व येतील आणि त्यावेळेला नायक साहेबाला उत्तर देतील ना। नाही बिलकुल, उन्होंने कहा भी है कि हमने तो डिमांड की सरकार जो थी उसने नहीं किया, तो हमारी कौन सी सरकार थी? उनकी सरकार थी, वो मिनिस्टर थे, कोई बात नहीं। यस बिल्कुल सही, देखिए हम आज मिनिस्टर बने, हमने निर्णय लिया और वो निर्णय लोगों ने मान लिया। हम सिर्फ जीआर निकल के बैठे नहीं, जीआर निकालने का और होर्डिंग लगा के अपनी पीठ अपने हाथ से थिपथिपाने का वो काम हमने नहीं किया। चलिए, हमने लोगों को रिजल्ट दिया। बिल्कुल, आप सही मैम, हम सब हमें सब समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं कॉर्पोरेशन लेवल का आज यहाँ पर डिबेट कर रहा है, मैं उसी पर सीमित हूँ। हमेशा चक्र घूमता रहता है, चक्र घूमता रहता है। आप देखा होगा कि बिहार में लालू प्रसाद थे, 15 साल राज किया, कहाँ गए? बाद में आपको वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वाम दल ने 35 साल राज किया, कहाँ गए? तो सबको मौका मिलता है, चक्र घूमता रहता है, आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन हम ये मतलब कि कहना हमारा ये है कि सत्ता में यहाँ पर जो भी रहे रियल में मतलब कि सारे जाति धर्म प्रांत को लोग को देखते हुए साथ में लेके चलते हुए काम करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में या कोई बड़े नेता हो जाते हैं, जनरली क्या करते हैं वो अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, कॉमन लोगों को भूल जाते हैं। ये भूले मत, नवी मुंबई के विकास के लिए काम करें तो हमको खुशी होगा, चाहे वो मतलब कि कोई पार्टी रहे। हम लोग को तो ऐसा सोचना है कि हम लोग यहाँ पर 13 पार्टी को मिलकर यहाँ पर नवी मुंबई विकास अघाड़ी का गठन किया है, जिसमें से आपको बहुत सारी पार्टी ऐसी है जो नेशनल पार्टी है, जो आपने दो दो तीन तीन स्टेट में राज कर रही है। आज हमारे पार्टी कितना सीट जीतेंगे आपको बताइए, कितना सीट आपके आएगी? देखिए आज हम इनके तरह दावा नहीं करेंगे, क्या समझा? हमको काम करके लोगों को बता देना है, पहले से दावा करना बेवकूफी है, ठीक है? लेकिन हम पूरा 111 सीट पर हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं और आने वाला टाइम बताएगा, पब्लिक बताएगा हमारा काम क्या है और क्या सीट जीत के आएंगे, आपके सामने आएगा। पाटिल साहब, कितने सीटों पे आप लोगों का दावा है कि जीत हासिल होगी और सत्ता आपकी होगी? देखिए बात सच्चाई की करें, 111 लड़ने के बाद हम नहीं बोलेंगे 111 पे हम चुन के आएंगे, निश्चित तौर पे कई जगह हम पीछे भी रह सकते, पर आज के गणित में हम लेके बैठे तो 80 प्लस लेके हम सभागृह में जाने के लिए तैयार है आज, अगर चुनाव होती है तो। पर जब होगी तब का दायरा अलग अलग कम ज्यादा होता रहे, तो आज की तारीख में 80 सीट लेके सभागृह में जाने की और महापौर बिठाने की तैयारी हमारी है। मोरे साहब आखिरी कमेंट, देखिए हमारी महाविकास अघाड़ी है, हमें जो सीट मिलेंगी उसमें शिवसेना को 60 सीट से कम विजय नहीं मिलेगा, 60 सीट पर विजय हमारा हम खास है, पक्का है, यह हमारा दावा है और
डेफिनेटली मेयर शिवसेना का ही होगा महाविकास आघाड़ी के साथ। चलिए, मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना बेशकीमती समय निकाला, आपने नंडी की राजनीति पर चर्चा की, आपने यहाँ के मुद्दों को लेकर चर्चा की और महानगर पालिका जो चुनाव आने वाला है उसमें किसकी सत्ता होगी उसके ऊपर चर्चा हुई। आखिर में फैसला तो जनता के हाथ में होता है और ये देखना होगा कि जनता किसके किसके हक में किसके पक्ष में फैसला करती है। सवाल है कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे पर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार।